channel. How are you all doing? I hope you're all safe and you're all following the protocols of COVID. Please अपना और अपनी family का अच्छे से ध्यान रखना because COVID अभी भी यही है. So yeah, welcome back to my channel. मैं हूँ शिवांगी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक beauty haul video Amazon से ही. So इससे पिछला video भी मेरा Amazon का haul video था जहाँ मैंने आपके साथ अपनी daily wear और office wear कुर्तीज की shopping share की थी. अगर आपने वो video नहीं देखा है तो ऊपर इस आई के आइकन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर भी आप उस वीडियो का लिंक ले सकते हैं. सो एज आई सेड, आज का वीडियो इज अ ब्यूटी हॉल वीडियो जहां की मैंने अमेजोन से काफी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं ब्यूटी कैटेगरी में. तो इस पैकेट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं पहली बार यूज कर रही हूँ और कुछ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी सालों से यूज करती आई हूँ, वो मैंने ऑर्डर किए हैं. ऑल्सो कुछ प्रोडक्ट्स इसमें से मैंने खोल लिए हैं और यूज कर लिया है और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी सील मैंने अभी नहीं खोली है. आप ही के सामने मैं उनको खोलूंगी और ट्राई करूंगी. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपना फेवरेट प्रोडक्ट. मेरा फेवरेट एसेंशियल समर एसेंशियल है लेकिन मैं उसको पूरे साल यूज करती हूँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिओड्रेंट फ्रॉम निविया. दिस इज निविया व्हाइटनिंग स्मूथ स्किन डिओड्रेंट एंड दिस हैज बीन माय फेवरेट फॉर ईयर्स. मुझे याद नहीं कि मैंने कब इसको यूज करना शुरू किया. मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये रेकमेंड किया था एंड आई एम सो सो थैंकफुल टू हर कि उसने मुझे ये रेकमेंड किया बिकॉज इट इज So good, I can't tell you. मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता है. अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, if you have been following me, मुझे एसी के अंदर बैठ के भी पसीना आता है. ऑब्वियसली पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा पसीना आता है लेकिन अंडर आर्म्स पे मुझे सबसे ज्यादा पसीना आता है और ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा पसीना आपको आएगा तो आफ्टर अ पॉइंट वो स्टिंक भी करने लगता है. तो समर्स में डिओड्रेंट यूज करना बहुत जरूरी है, स्पेशली उनको जिनको की बहुत स्वेटिंग होती है. तो दिस इज लाइक अ रेस्क्यूअर, अ सेवियर. निविया का जो ये डिओड्रेंट है, दिस इज अ रोल ऑन डिओड्रेंट. इसमें इस तरह की ये रोल ऑन होता है, आपको बस ऐसे रोल करके अपने अंडर आर्म्स पे लगाना है एंड इसकी खुशबू इज सो माइल्ड, सो प्लेजेंट. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डिओड्रेंट इज कि आपने इसको एक बार अगर सुबह नहा के लगा लिया तो पूरा दिन इसकी खुशबू रहती है. आप आराम से स्लीवलेस पहन सकते हो और हाथ उठा उठा के नाच सकते हो, किसी को बदबू नहीं आएगी बिकॉज इसकी स्मेल पूरे दिन इंटैक्ट रहती है. प्लस एक और इसकी जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि ये एक वाइटनिंग डिओड्रेंट है तो इससे आपकी अंडर आर्म की स्किन काली नहीं पड़ेगी. इनफैक्ट अगर आपकी स्किन ऑलरेडी काली है तो वो भी इसके रेगुलर यूसेज से वाइटन होना शुरू हो जाएगी. तो अगर आप और कोई भी डिओड्रेंट यूज कर रहे हैं अभी तक, आई वुड हाईली 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 रिकमेंड टू ट्राई दिस वन. एक बार इसको ट्राई करके देखो एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट. सो या दिस इज माई फेवरेट प्रोडक्ट जो मेरी एक शीशी खत्म होने से पहले ही मैं दूसरी ऑर्डर कर लेती हूँ बिकॉज समर्स में इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है. सो या दिस वॉज माई फर्स्ट प्रोडक्ट निविया व्हाइटनिंग डिओड्रेंट. इसके बाद मैंने ऑर्डर किया है अपना एक और फेवरेट प्रोडक्ट जो कि मैंने पहले भी यूज किया हुआ है. दिस इज माय थर्ड बॉटल. फर्स्ट बॉटल मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, उसके बाद दो बॉटल जिसकी मैंने अमेज़न से ऑर्डर करी है. आई एम टॉकिंग अबाउट ओजोन का ग्लो रेडियंस फेस ऑयल. सो वैसे तो मेरी स्किन जो नॉर्मल स्किन है लेकिन मुझे बहुत स्वेटिंग होती है तो मैं फेशियल ऑयल्स नॉर्मली यूज नहीं कर पाती हूँ. बट दिस फेशियल ऑयल आई यूज दिस फॉर माय फेशियल योगा. जब भी मुझे अपने फेस की कपिंग करनी होती है या मुझे अपने फेस योगा करना होता है या विंटर्स में जब मुझे मेकअप करना होता है तो विंटर्स में मैं इसको मेकअप से पहले लगाती हूँ. ओवरऑल मतलब किसी ना किसी तरीके से आई यूज इट डेली ऑन माई फेस. सो दिस इज अ गोल्ड फेशियल ऑयल एंड इट gives you a brilliant radiance. बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है. इस तरह की कार्टन पैकिंग में आता है ये, उसके अंदर ऐसी कांच की एक शीशी है जिसके साथ ये ड्रॉपर भी लगा हुआ है. बहुत अच्छा चलती है ये, बहुत रीजनेबल भी है. अगर आप मार्केट में और अच्छे ब्रांड के फेशियल ऑयल्स लेने जाओगे तो वो काफी महंगे हैं. आई नो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के और भी फेशियल ऑयल्स अवेलेबल हैं बट दे आर रियली एक्सपेंसिव फॉर डेली यूसेज स्पेशली. सो दिस वन इज कंपैरेटिवली वेरी रीजनेबल एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 500 और समथिंग. इसका प्रिंट मार्केट प्राइस तो इसका 650 है बट अमेजोन पे आई गॉट इट फॉर अराउंड 500 और समथिंग. I'll check the price and mention it here in the video. So yeah, this is the bottle. आपको बस इसके dropper में से ये एक्चुअली बहुत लंबा चलता है बिकॉज आपको बहुत कम कम यूज करना होता है. इसके ड्रॉपर में आप तेल लेंगे और आपको सिर्फ 3-4 ड्रॉप्स लेनी होती है अपने हाथ में और उससे आप अपने पूरे फेस की अच्छे से मसाज कर सकते हो. एंड फेशियल योगा अगर आप करते हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फेस ऑयल्स आई विल सजेस्ट बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन यूजिंग इट पर्सनली एंड आई एम इन लव विद इट. तो अगर आप मुझसे मेरी यंग स्किन का राज पूछेंगे एट द एज ऑफ 45 तो इस फेशियल ऑयल को भी मैं थोड़ा सा क्रेडिट उसका देना चाहूंगी.
सो या दिस वॉज माई सेकेंड शॉपिंग. थर्ड जो मैंने खरीदा है वो एक ऐसी चीज है जो जिसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज सबको पता है वो कितनी अच्छी चीज है. आई एम टॉकिंग अबाउट मैक की रूबी बूल लिपस्टिक. आई एम अ फैन ऑफ रेड लिपस्टिक्स. आई लव वेयरिंग रेड लिपस्टिक्स चाहे वो इंडियंस हो या वेस्टर्न्स हो. मुझे बहुत अच्छी लगती है रेड लिपस्टिक्स और मेरे पास बहुत सारे अलग अलग शेड्स हैं रेड लिपस्टिक के अलग अलग ब्रांड्स में. लेकिन मैक के रूबी बू का कोई कंपैरिजन नहीं है. अभी भी मैंने वही लगाया हुआ है. आई नो दिस इज एन एक्सपेंसिव लिपस्टिक इसीलिए मैंने इसका छोटा वाला ये पैक मंगाया है मिनी पैक मंगाया है. दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव बट ट्रस्ट मी इसके जैसा रेड कलर और किसी भी ब्रांड में आपको नहीं मिलेगा. इसका टेक्सचर इसका कलर बाकी सारे ब्रांड से काफी अलग है एंड जो कि मैंने सुना भी है एंड आई माई सेल्फ बिलीव इन दिस कि एक बार अगर आप मैक का रूबी बू रेड लिपस्टिक यूज कर लोगे तो आपको बाकी सारी रेड लिपस्टिक्स कम अच्छी लगेगी. तो ये मिनी लिपस्टिक है लेकिन इसमें भी काफी सारा प्रोडक्ट आता है काफी लंबा चल जाता है. ऑब्वियसली बार बार मत लगाएं अगर आप ध्यान से लगाएं तो काफी लंबा चल जाता है. इसकी इतनी लंबी इसकी स्टिक आती है और अच्छा खासा चल जाता है ये इसको बिकॉज ये बहुत अच्छा टेंटेड है. इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है तो आपको बहुत ज्यादा कोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. एक या फिर मैक्सिमम दो कोट में ये अच्छे से आपके लिप्स पे लग जाती है. मैक की जो मैट लिपस्टिक्स होती हैं वो थोड़ी सी ड्राई होती है नेचर में तो अगर आपके होंठ सूखे हुए हैं अगर आपके लिप्स ड्राई हैं तो आई वुड सजेस्ट कि लिपस्टिक लगाने से 5 मिनट पहले आप अपने लिप्स पे लिप बाम लगा लीजिए कोई भी और 5 मिनट के बाद इस लिपस्टिक को लगाएंगे तो बहुत अच्छे से वो आपके लिप्स पे लग जाएगी एंड आपके होंठ बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेंगे. सो या दिस वॉज माई थर्ड शॉपिंग. नेक्स्ट जो मैंने अमेजोन से लिया है वो मैंने पहली बार लिया है. मेरे पास ये कभी भी नहीं था एंड जैसे कि मैंने बोला मैं थोड़ी सी रूस हूँ तो मैं कोई भी चीज तब तक नहीं खरीदती हूँ जब तक मुझे लगता है कि उसके बिना मेरा काम चल रहा है. मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है उसकी. तो मैं बात कर रही हूँ इस फाउंडेशन ब्रश की है एंड इसको मैंने यूज कर लिया है ऑलरेडी. अगर आप देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ब्लश लगा हुआ. सो दिस इज अ फाउंडेशन ब्रश बट आप इससे ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो. सो आज से पहले तक मैं अपना फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए या तो अपनी फिंगर्स को या फिर अपने स्पॉन्ज को यूज करके आई हूँ एंड आई एम समवन जो कि बहुत इम्पेशेंट है. मतलब मुझमें इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है कि मैं स्पॉन्ज से धीरे 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 अपने फेस पे से उसको डैब करती जाऊँ फाउंडेशन को. इतना पेशेंस मुझमें नहीं है एंड ट्रस्ट मी आप कितना भी अच्छा फाउंडेशन ले लें कितना भी महंगा फाउंडेशन ले लें अगर आपने उसे अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड नहीं किया है तो उसका कोई फायदा नहीं है. उसका लुक अच्छा लगने की बजाय और बुरा लगेगा. इसीलिए फाउंडेशन को बहुत अच्छे से अपनी स्किन में ब्लेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए ये ब्रश मैंने लिया है. सो आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस ब्रश एंड इट इज अमेजिंग. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा ब्रश होगा और अब मुझे लग रहा था कि मैंने इतने सालों तक इसे क्यों नहीं खरीदा पता नहीं. सो दिस इज अ वेरी फ्लफी ब्रश. आप इसके ब्रिसेस देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ब्रिसेस हैं एंड नो ब्रिसेल इज कमिंग आउट. मैं आपके सामने इस तरह से इसको कर रही हूँ और इसमें कोई भी ब्रिसेल बाहर नहीं आ रहा है. बहुत अच्छा सा ब्रश है क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी. लिंक इसका ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो ये वाला ब्रश मैंने लिया है और इससे मैंने अपना फाउंडेशन अप्लाई किया है एंड इतनी जल्दी इतने आराम से फाउंडेशन ब्लेंड हो गया कि आई वॉज रियली सरप्राइज एंड मैं ये सोच रही थी कि मैंने इतने सालों तक इसको क्यों यूज नहीं किया क्यों मैंने खरीदा नहीं. So yeah, this is my next shopping, a foundation brush. Next मैंने लिया है ये Maybelline का Fit Me Foundation. ये भी उस कैटेगरी में आता है जो कि प्रोडक्ट्स मैंने आज तक यूज नहीं किए हैं. मैंने बहुत सारे अलग अलग फाउंडेशन यूज किए हैं और फिट और Maybelline के Fit Me Foundation की मैंने बहुत तारीफ सुनी है. जब भी आप किसी से भी पूछो कि बजट में कोई अच्छा फाउंडेशन बता दे यार कौन सा फाउंडेशन है जो सस्ता भी और बहुत अच्छा है तो सब लोग आपको Maybelline का Fit Me ही सजेस्ट करेंगे बिकॉज ये बिकॉज इसकी क्वालिटी है कि ये बहुत अच्छी कवरेज देता है. आप अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप 2 कोट भी लगा सकते हो और ये बहुत अच्छे से आपके स्किन में ब्लेंड हो जाता है जो कि एक्चुअली ट्रू है. I'm sorry for the background disturbance. These are my budgies जो कि बाहर बैठ के चैन कर रही है. So yeah, coming back to the video. So this is matte plus poreless foundation. मतलब ये primer का काम भी करेगा. ये आपके pores को भी छुपाएगा. तो अगर आपको कहीं जल्दी जाना है आपको जल्दी तैयार करना है आपको minimal makeup करना है आपके पास time नहीं है आप primer या आपके पास primer खत्म हो गया है तो आप directly इस foundation को भी use कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर
प्राइमर की क्वालिटीज भी हैं। सो आई एम क्वाइट लाइकिंग दिस प्रोडक्ट और शेड भी मेरा बहुत अच्छे से मैच कर गया है। मैंने अभी यही फाउंडेशन लगाया हुआ है अपने फेस पे एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। आई डोंट नो क्रेडिट फाउंडेशन का है या फिर इस ब्रश का, लेकिन इन दोनों को मिला के बहुत अच्छे से मेरे स्किन पे ब्लेंड हो गया है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। सो मैं डेफिनेटली इसका बड़ा पैकेट ऑर्डर करने वाली हूँ जल्दी ही। सो या दिस वॉज माई नेक्स्ट शॉपिंग। अब आई नो कि ये फाउंडेशन प्राइमर का काम भी कर जाएगा, लेकिन मैंने ऑर्डर किया है फिटमी का ही ये प्राइमर। तो ये भी मैंने अभी यूज नहीं किया है, बट इसकी भी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी हुई है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसकी तारीफ की है, मेरे ब्लॉगर फ्रेंड्स ने, जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, सब लोगों ने मुझे ये रेकमेंड किया है। सो मैंने इसे अभी यूज तो किया नहीं है। मेरे फेस पे काफी सारे पोर्स हैं। मैं बहुत सी बार सिर्फ प्राइमर लगा के भी चली जाती हूँ, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला मुझे स्वेटिंग बहुत होती है, तो मैं सिर्फ प्राइमर लगा के अगर पार्टी में चली जाती हूँ तो मेरे पोर्स थोड़े से कवर हो जाते हैं और मुझे स्वेटिंग में थोड़ी सी राहत मिलती है। आई वोंट से कि इससे स्वेटिंग एकदम बंद हो जाती है, बट थोड़ा सा फर्क पड़ता है एंड स्किन ऑल्सो लुक्स स्मूथ, पोर्स कवर हो जाते हैं। तो सो या दिस वॉज माई नेक्स्ट शॉपिंग। फाइनली आई हैव फिटमी के प्रोडक्ट्स विद मी नाउ। इसके बाद का प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम मेबलिन। मेबलिन का मस्कारा मैं यूज करती आई हूँ, बट मैंने वो पर्पल और ब्लैक वाला मस्कारा यूज किया है। मैंने ये कोलोसल मस्कारा कभी यूज नहीं किया है, तो ये भी मैंने पहली बार ऑर्डर किया है अमेजोन से। सो यहाँ मैंने मेबलिन का ये कोलोसल मस्कारा ऑर्डर किया है। इसका एप्लीकेटर इस तरह का आता है। सो या दिस इज अ गुड मस्कारा और ये अच्छा डेंस लुक दे देता है आपकी आईज को। सो या दिस वाज माय नेक्स्ट शॉपिंग। मेरे प्रोडक्ट्स खत्म नहीं हुए, रुको, अभी आई हैव 4 मोर प्रोडक्ट्स टू शो यू, आई डू इट क्विकली। सो नेक्स्ट इज अगेन दिस ब्रश एंड दिस इज समथिंग जो मैंने पहली बार ऑर्डर किया है। दिस इज अ हाइलाइटर ब्रश और मुझे, जैसे कि आपको पता है मैं काफी कंजूस हूँ, मुझे हमेशा लगता था कि हाइलाइटर के लिए अलग से ब्रश लेने की क्या जरूरत है, वो तो किसी भी ब्रश से लग जाएगा, इस ब्रश से भी लग जाएगा, या मेरे पास जो दूसरे नॉर्मल से ब्रश पड़े हैं उनसे भी लग जाएगा, और किसी से नहीं तो मैं अपनी उंगली से ही हाइलाइटर लगा लेती हूँ बहुत बार। सो मुझे लगता था कि इसकी क्या जरूरत है, बट इस बार मैंने खरीद ही लिया। तो देखते हैं ये किस तरह से है। सो या दिस इज द ब्रश, ये वेगा का ब्रश है एंड इससे इस तरह से हाइलाइटर अप्लाई किया जाता है। बट या दिस इज अ नाइस ब्रश, इसकी जो ब्रशेज हैं ये काफी अच्छी हैं, ये गुड क्वालिटी ब्रश इट इज, हैंडल भी इसका काफी स्टर्डी है एंड ब्रशेज आर लाइक वेरी सॉफ्ट एंड गुड, एक भी ब्रिसल इसमें बाहर नहीं आ रही। दिस इज माई नेक्स्ट शॉपिंग, हाइलाइटर का ब्रश फ्रॉम वेगा एंड या आई लाइक इट। नेक्स्ट इज द आईलाइनर फ्रॉम फेसेस कैनेडा। ब्रांड मैंने आज तक यूज नहीं किया है, मैंने इसका कभी भी कुछ भी नहीं यूज किया है और मैंने इसके आईलाइनर की काफी अच्छी तारीफ सुनी हुई है और इसके अमेजोन पे रिव्यूज भी काफी अच्छे थे, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। एंड लेट मी सी इसका एप्लीकेटर, नाइस इज द एप्लीकेटर, बहुत पतला सा एप्लीकेटर है, आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं। सो या दिस इज प्रिटी गुड ब्लैक, जेट ब्लैक दिस इज, मैंने पतली सी लाइन लगाई है एक एंड मैंने ये भी सुना है कि ये लाइनर लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैंने ये अभी आपके सामने लगाया है एंड लेट्स रब इट एंड सी कि ये कितनी जल्दी सूखता है और स्मच होता है कि नहीं। वाओ डैम दिस इज कूल, ग्रेट, दिस इज नॉट स्मजिंग एट ऑल। मैं आपके सामने देखो इसको रगड़ रही हूँ and this is not smudging at all, it is absolutely intact, zara bhi smudge nahi ho raha hai ye. So yeah, this is a good liner, I am gonna like it for sure. This is the glitter I ordered, kafi choti si patli si dibbi hai but 100 rupees ki hai to maine socha ki main le leti hu, 100 rupees to main kharch kar sakti hu experiment pe. So I love those glittery eyes, halanki maine kabhi waisa makeup khud nahi kiya hai but I love them, to mujhe laga ki main leke dekhti hu aur main zyada mehanga product leke try nahi karna chahti thi kyunki मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा नहीं है मेकअप स्किल्स पे स्पेशली, तो इसीलिए मैंने 100 रुपए की ये डब्बी ली है टू सी कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, या मेरे पे कैसे सूट कर रहा है। सो लेट्स सी कि हाउ पिगमेंटेड, वाओ कैन यू सी, दिस इज सो डैम पिगमेंटेड, वाओ दिस इज रियली नाइस,
I don't know if it is visible in the camera or not, but this is really nice. Let me just quickly apply it on my eyes and see. मैं अभी don't judge me on my makeup skills, ठीक है? मैंने पहले ही बता दिया कि मुझे नहीं आता. Pretty easy to apply. I know मैंने बहुत ऊपर तक लगा लिया है, as I said, a noob in makeup, especially eye. Yeah, I think it's nice. And अभी मैंने अच्छे से apply नहीं किया है, obviously. वैसे ही मुझसे अच्छे से नहीं होता और कैमरा में तो पता नहीं क्या ही होगा. सो या दिस इज नाइस, दिस इज अ नाइस कूल, दिस इज अ नाइस 100 रुपए की डब्बी, वर्थ ट्राइंग. सो या लास्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस मेकअप रिमूवर. मेकअप प्रोडक्ट जितने जरूरी हैं उससे ज्यादा जरूरी है मेकअप रिमूवर. मेकअप रिमूवर हमेशा आपके पास होना चाहिए, बिकॉज सारे मेकअप में कितना भी महंगा हो, कोई भी अच्छा ब्रांड हो, कुछ भी हो, लेकिन हर मेकअप प्रोडक्ट में केमिकल्स होते हैं. सो या दिस इज द फेस वॉश जो कि मैंने ऑर्डर किया है. दिस इज अगेन एन ऑनगोइंग थिंग, मैंने पहले भी बहुत बार से यूज किया हुआ है, दोबारा मैंने किया है. सो दिस इज फ्रॉम गार्निया, दिस इज गार्निया मिसलर क्लींजिंग वाटर. सो मेकअप रिमूवर दिस इज, एंड दिस इज रियली रियली गुड. जस्ट एक कॉटन के पैड में थोड़ा सा ये इसके 2-4-5 ड्रॉप्स लो और अच्छे से अपना मेकअप रिमूव कर दो, उसके बाद जाके फेस वॉश कर लो. एम योर डन, पूरा मेकअप बहुत अच्छे से आपके फेस से निकल जाता है, लीविंग नो ट्रेसेस ऑफ केमिकल्स ऑन योर फेस, तो यू आर गुड. सो या दिस वॉज माई लास्ट शॉपिंग. आई एम रियली रियली हैप्पी विद दिस शॉपिंग. मैंने इन सारे आइटम्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. उसके अलावा मैंने अपने हॉल स्टोर का भी एक लिंक डाल दिया है, जहां आपको सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह देखने मिल जाएंगे, आपको अलग अलग से जाना नहीं पड़ेगा. उस हॉल स्टोर के लिंक में आप ये सारे प्रोडक्ट्स एक साथ देख सकते हो. सो या दिस वॉज माई हॉल वीडियो फॉर टूडे. आई होप यू लाइक इट, आई होप इट विल हेल्प यू इन शॉपिंग. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी कॉमेंट्स और एनी सजेशन फॉर मी, feel free to write down a comment below in the comment section, and please subscribe to my YouTube channel if you haven't yet already. Also please do follow me on Instagram for my quick fashion and styling updates. See you soon in my next video. Bye bye. Love, love.